हेलो बच्चों कैसे हो आप सब लोग मैं निहारिका आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ फाइनली हमारे लास्ट इस लेक्चर के अंदर जो होने वाला है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन डबल थीम क्वेश्चंस लाइक आई प्रॉमिस यू इन माय लाइफ एज वेल आई एम वेरी सॉरी फॉर द डिले ऑफ द वन डे दैट है उसके अलावा हम लोग आज इस लेक्चर को देखने वाले हैं बच्चों जिसमें मैंने जैसा आप लोगों को प्रॉमिस किया था जैसा वादा किया था हम लोगों ने पूरा किया है मैं लेकर आ गई हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो दो चैप्टर्स के मिक्स आप लोगों को डबल थीम के अंदर आ सकते हैं स्पेसिफिकली किसके अंदर आप लोगों के फाइव मार्कर क्वेश्चन के अंदर अब ऐसे टाइम पे बच्चों रिस्क लेने का तो कोई फायदा होगा नहीं हमें बिकॉज अगर हम यही क्वेश्चन छोड़ जाएंगे जो हमें नंबर दिलवा सकते हैं तो ऐसा क्यों करना बिकॉज अब लॉन्ग क्वेश्चन के पैटर्न के अंदर ना बच्चों कैसे सवाल सवाल आ रहे हैं बिकॉज है नंबर के सवाल. तो इनको तो ध्यान से करना सही तरीके से समझ के करना बहुत जरूरी है तो सबसे पहले ना बच्चों आप लोग ये चीज समझ लो कि फाइव मार्कर्स के क्वेश्चन आते कैसे हैं आजकल कुछ क्वेश्चन जो है ना बच्चों वो क्रिएटिव राइटिंग बेस्ड आने लगे हैं क्रिएटिव राइटिंग बेस्ड होने का क्या मतलब है क्रिएटिव राइटिंग बेस्ड होने का मतलब है वो या तो आपको बोलेंगे उन पर डायलॉग लिखो ठीक है या तो वो कहेंगे उसके ऊपर डायलॉग लिखो डायलॉग की स्पेलिंग ही नहीं आ रही आज वो या तो डायलॉग लिखो उसके ऊपर ठीक है या वो कहेंगे उसके ऊपर आप लोग डायरी एंट्री लिखो या वो कहेंगे आप लोगों को ब्लॉग लिखो ब्लॉग ऐसे इन कुछ नहीं होता वो बस एक पैराग्राफ होता है जैसा आर्टिकल होता है हमारा आर्टिकल लिखो नाम दे दिया आर्टिकल को सिर्फ एक ब्लॉग का ये सारी चीजें वो हमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में करने को दे सकते हैं अब उसके आगे उन लोगों ने एक और चीज मुश्किल कर दी हमारे लिए उन्होंने क्या किया उन्होंने इन्हीं क्रिएटिव राइटिंग को हमारे डबल थीम वाले क्वेश्चन के अंदर डाल दिया उन्होंने दो चैप्टर में दे दिया और बोला कि इस बंदे से इस बंदे का जो क्वेश्चन है इन दोनों के बात करते हुए इन दोनों के एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन का एक आंसर बनाओ तो हम लोग ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज टेंथ के जो करिकुलम है जो उसकी बुक्स है ना बच्चों वो कुछ इस तरीके से बनाई गई है जिसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो सिमिलर थीम्स वाले हैं तो कुछ क्वेश्चंस तो मैंने प्रीवियस ईयर उठाए हैं कुछ क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं आप लोगों के सैंपल पेपर्स में से और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी है कि बैठे बैठे चैप्टर पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में भी जो सवाल आए मैंने डाल दिए देर आर सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम सर्टेन चैप्टर्स जो मेरे दिमाग में आए और मैंने लास्ट में डाले हैं उसके अलावा हो सकता है कि पढ़ाते पढ़ाते मेरे दिमाग में वापस से और कोई सवाल आ जाए तो मैं आप लोगों को वो भी देकर जाऊंगी बट उसकी श्योरिटी मैं नहीं लेती आई कैन ट्राई दैट बिकॉज मैं बहुत टाइम से आई वॉज थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चन तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखने हैं आज कुछ क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आए हैं बहुत ऑल्टरनेटिव थीम्स कुछ सेम थीम कुछ सिमिलर चीज़ों के साथ मिलते जुलते सवालों को हम लोग आज देखने वाले हैं ठीक है बच्चों तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को जिसके अंदर हम लोग आ गया आई गॉट वन क्वेश्चन आई गॉट वन क्वेश्चन आई एम गोइंग टू गिव यू दैट क्वेश्चन तो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि दो जिस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या देखेंगे बच्चों चैप्टर नहीं सॉरी इस सीरीज में हम हम लोग लोग क्या देखने वाले हम लो देखने वाले वाले हैं हैं इसमें दो चैप्टर से मिलते जुलते सवालों को जो हमारे पेपर में हमें पूछे जा सकते हैं तो इससे पहले कि मैं जो तो देने वाला सवाल है वो भूल जाऊं मैं वही सवाल दे देती हूँ बिकॉज वही चैप्टर ही कैसा रह गया है जो मेरे दिमाग में आ रहा था लेकिन सवाल नहीं आ रहा था तो अब मुझे सवाल भी आ गया है तो अब मैं आप लोगों को सबसे पहला सवाल दे ही वही रही हूँ और उसकी हिंट्स भी दे दूंगी कि क्या हो सकता है आप लोगों को बच्चों एक क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ स्मॉल थिंग्स हाउ स्मॉल थिंग्स इन लाइफ छोटी छोटी चीजें जिंदगी में कैन मेक बिग डिफरेंसेस ठीक है कैन मेक बिग डिफरेंसेस छोटी छोटी चीजें जिंदगी के अंदर बड़े बड़े बदलाव कैसे ला सकती हैं ये क्वेश्चन रेफर करना है एक्सप्लेन किसकी रेफरेंस से बताओगे अब आप लोगों के दिमाग में आएगा मैम इसमें क्या लिखेंगे एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू तो, कौन हमारी मटिल्डा हमारी मैडम लॉयजिल मटिल्डा और कौन और रिचर्ड ई ब्राइट ठीक है रिचर्ड ई ब्राइट अब दिमाग में आएगा मैम ये दोनों बंदे क्यों वाई मटिल्डा और वाई रिचर्ड्राइट ऐसा क्या था मटिल्डा में और ऐसा क्या था रिचर्ड में कि यही दोनों को आपने चूज किया तो मटिल्डा के केस में और रिचर्ड रिचर्ड्राइट केस में आ जाओ बच्चों सबसे पहले आ जाओ तुम लोग मटिल्डा के केस के अंदर तुम लोग मटिल्डा के केस के अंदर क्या क्या चीजें लिख सकते हो तुम लोग ये बताओगे कि मटिल्डा जो थी वो बहुत ही ज्यादा ऑस्टेंटेशियस थी ऑस्टेंटेशियस माइन में स्पेलिंग शायद से गलत भी हो सकती है ऑस्टेंटेशियस ये दिया ये सो, I hope this is correct. I will just check it out and I'll let you know. Wait, just let me check the spelling. I hope the spelling would be correct. मेरे को लग रहा है मेंबी there could be a doubt in it. Just a second. ठीक है, Ostentatious थी वो, materialistic थी, ठीक है? ये आप लोग उसके कैरेक्टर के बारे में स्टार्टिंग में लिख सकते हो वो बहुत ऑसेंटेशियस थी बहुत ही मटेरियलिस्टिक थी तो वो इस तरीके की कुछ लेडी थी ठीक है अब उसका एक रोंग चॉइस ठीक है उसका एक रॉन्ग चॉइस अब रोंग चॉइस क्या था बच्चों उसके बारे में उसका रोंग चॉइस था ऑफ नॉट टेकिंग केयर किसकी केयर नहीं करी थी आप नॉट टेकिंग केयर फॉर हर नेकलेस फॉर नेकलेस उसने नेकलिस का ध्यान नहीं रखा जिसकी वजह से उसे कैसी जिंदगी जीनी पड़ी जिसकी वजह से उसे एक पॉवर्टी स्ट्रिकन जिंदगी जीनी पड़ी क्या करना पड़ा पॉवर्टी स्ट्रिकन लाइफ जीनी पड़ी और उसकी जो लाइफ थी वो मेरा तो पूरा लाइफ ही बर्बाद हो गया है उसका वो हाल हो गया था शी वॉज ओवरटेकन या ऐसे लिख सकते हो हर इंटायर लाइफ हर लाइफ चेंज ड्यू टू वन स्मॉल चेंज उसकी जिंदगी जो थी वो एक छोटे से बदलाव की वजह से बिल्कुल ही बदल गई तो ये था बच्चों मेटिल्डा का केस अब अगर मैं बात करूं रिचर्ड ई ब्राइट की कि रिचर्ड ई ब्राइट की जिंदगी में छोटी छोटी चीज़ों ने बड़ा बड़ा इफेक्ट है छोटी छोटी शहरों में ऐसी बड़ी बड़ी बातें कैसे होती रहती हैं ये रिचर्ड ई ब्राइड के, के केस में कैसे हुआ था तो रिचर्ड ई ब्राइट जो था बच्चों आप लोग लिखोगे कि वो एक बड़ा ही क्यूरियस केस था ठीक है वो काफ़ी क्यूरियस थे चीज़ों के बारे में ठीक है वो ही वॉज हार्ड वर्किंग अब उन्होंने अपनी जब उन्होंने 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाईज को डिस्कवर कर लिया था ही डिसाइडेड कि भैया बटरफ्लाई और मैं नहीं गिनूंगा ही डिसाइडेड टू स्टॉप उन्होंने सोचा कि चलो अब मैं रुक जाता हूं लेकिन वो रुके नहीं वो क्यों नहीं रुके बिकॉज उनको एक किताब मिली ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ट्रेवल्स ऑफ मनार्क एक्स और ये किसने दी थी उनको ये उनकी मम्मा ने दी थी ट्रैवल्स ऑफ मनार्क एक्स नाम की किताब उनकी मम्मी ने उनको दी और ये ट्रैवल्स ऑफ मनार्क एक्स बच्चों एक ऐसी किताब बन के आई एक छोटी सी किताब ने उनकी लाइफ को कितना ज्यादा चेंज कर लिया ना ये किताब मिलती नो no एक्सपेरिमेंट्स अगर ये किताब नहीं होती तो नो एक्सपेरिमेंट्स वुड है प्लेस ना ये एक्सपेरिमेंट्स होते ना ये वुड हैव टेकन प्लेस एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते तो जिंदगी में कुछ नहीं होता ना ही होती डिस्कवरी ना होती डिस्कवरी ऑफ डीएनए अगर ये एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते तो डीएनए की डिस्कवरी नहीं होती डीएनए और अगर ये एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए ये ये किताब नहीं नहीं होती तो तो शायद हमें कभी पता ही नहीं लग पाता तो कि किस तरीके से जिंदगी की छोटी छोटी चीजें बड़े बड़े बदलाव को जिंदगी में ला सकती हैं वो हम इस पार्ट के अंदर देखेंगे ये वो क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में आया है पेपर और नॉट बट ये बहुत ही क्वेश्चन मेरे हिसाब से है, बिकॉज़ ये दो थीम से मैं देखो दो अलग अलग चीजें कैसे लाइफ में लोगों को अलग अलग कर सकती हैं। तो मटेडा का केस हमने देखा जहां पे उसकी छोटी सी गलती नेकलेस का ध्यान ना रखने की वजह से उसकी जिंदगी बदल गई वहीं पे का केस बिल्कुल ऑपोजिट था एक एक छोटी सी किताब जो उसकी मम्मा ने उन्हें रैंडमली लाकर दी उन्होंने उन्होंने नया साइंटिफिक वर्ल्ड उनके लिए खोल दिया एक्सपेरिमेंट्स करे वो एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते तो कभी डीएनए भी डिस्कवर नहीं हो पाता और आज भी शायद हम बायोलॉजिकल पजल्स को सॉल्व नहीं कर पाते तो किस तरीके से छोटी छोटी चीजें लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस को लाती है इसके लिए आप लोग एक वर्ड यूज कर सकते हो वेरी वेरी गुड साइंटिफिक वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है इसको ना हम बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं कि कैसे छोटी चीज़ें लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस को ला सकती है तो इसे बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं अगर आप अपने आंसर को और ब्यूटीफाई करना चाहते हो तो गो हेड विद दिस वर्ड यू कैन ऐड दैट दिस इज अ केस ऑफ बटरफ्लाई इफेक्ट तो ये थोड़ा सा हाई लेवल हो गया बट आंसर की क्वालिटी वुड बी ग्रेट ठीक है बच्चों अब आते हैं है और क्या क्या क्वेश्चन ईयर के अंदर, और के अंदर पूछे गए पहला तो बच्चों ये सवाल है जो आप लोगों के सैंपल पेपर के अंदर आया गया है और ये क्वेश्चन कहता है Tiger, मिजबिल एंड द टाइगर दोनों पर आफ्टर डॉफ्टर बायमन्स ठीक है भी एक उसका ओनर देख रहा था और टाइगर जो था हमारा टाइगर द जू है उसको भी ह्यूमन्स देख रहे थे

ये क्वेश्चन जो होते हैं ना बच्चों ये थीम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ये जनरली आपको ना थीम के ऊपर हाईलाइट करने की बात करते हैं ये चाहते हैं कि आप उस क्वेश्चन के अंदर उस चैप्टर की थीम को हाईलाइट करें उसकी थीम पे फोकस करके अपने आंसर को लिखें तो वो कहते हैं द ऑटर एंड टाइगर इन जू आप ऐसे बिगिन कर सकते हो उन्होंने आपके सहूलियत के लिए लाइंस दे दी 2023 के सैंपल पेपर का ये सवाल है सैंपल पेपर वन में क्वेश्चन था थैंक्स फॉर विजिटिंग दो डोंट यूजअली लाइक विजिटर्स तो इस इज थैंक यू आने के लिए लेकिन मेरे को नॉर्मली विजिटर्स अच्छे नहीं लगते तो उसने बोला आ आई वुड लव विजिटर्स उसने बोला अच्छा ऐसा मेरे को तो बड़े अच्छे लगते हैं आई थिंक टाइगर ने बोला थैंक्स फॉर विजिटिंग मी दो आई डोंट यूजली लाइक विजिटर्स ओके दिस इज द सेम लाइन उसने बोला कि मुझे ज्यादा विजिटर्स आने अच्छे नहीं लगते यानी हमें यहां से पता लगे कि मिजबेल जो था वो काफी अच्छी जिंदगी जी रहा था तो इसीलिए उसने वैसे ही बोला और टाइगर जो काफी कन्फाइंड जिंदगी जी रहा था उसने क्लियर क्लियर बोला कि भैया मुझे तो विजिटर्स जब मेरे से मिलने आते हैं अच्छा नहीं लगता तो इनकी कन्वर्सेशन को आगे आप लेकर जाओगे तो ये कुछ एग्जाम्पल है आप लोग कन्वर्सेशन ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं बच्चों ये क्या होते हैं ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं इनको आप अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में ले जाते हो बट याद रखना कि जो थीम होनी चाहिए थीम अह एज पर थीम होना चाहिए कि एज पर थीम जाने चाहिए ओ आई वुड लव विजिटर्स आई थिंक तो टाइगर ने बोला आई बिलीव दैट इज द रीजन ऑफ योर हैप्पी स्टे तो उसने बोला कि क्योंकि तुम्हें विजिटर्स अच्छे लगते हैं तो शायद वही रीजन है कि तुम खुश हो विद योर ह्यूमन ओनर तो मिजबिल ने बोला यस आई लव द कंपनी ऑफ माय ओनर तो मिजबिल ने यहाँ पे आके बोला कि हाँ मुझे मेरे ओनर की कंपनी यानी मुझे मेरे ओनर का साथ बड़ा ही अच्छा लगता है इट्स बीन अ वंडरफुल एग्जिस्टेंस आई डोंट लाइक बीइंग इन अ कन्फाइंड एरिया यानी मेरे को कहता है मेरे को ऐसे लिमिटेड स्पेस के अंदर वहाँ नहीं रहना पड़ता तो यानी यहाँ पर किस चीज़ को हाईलाइट किया गया कि मिजबिल कैसे अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहा था टाइगर ने बोला ह्यूमंस डोंट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ को एक्सिस्टेंस एंड टेम टेमस तो इसलिए वो हम लोगों को टेम का मतलब क्या होता है आ, मैं भूल गई कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो इसीज इसीलिए हम हम ही सेज ह्यूमंस डोंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ को एग्जिस्टेंस तो इसीज़ वो ये नहीं समझते कि साथ में रहना कितना जरूरी है वो हमें कोशिश करते हैं कंट्रोल करने की हमें टेम करने की तो मिजबेल ने बोला ह्यूमंस आर फ्रेंडली माय ओनर्स इंश्योर मी एन एक्सट्रीमली कंफर्टेबल लाइफ डिलीशियस मीज लॉन्ग वॉक्स एंड गेम्स टू प्ले विद ईच अदर आर टू डाई फॉर और वो अब यहां पर ना यहाँ पर जो भी चीज़ें उस चैप्टर के अंदर थी वो हाईलाइट कर गई है कैसे वो उसे खिलाता था घुमाता था पानी में खेलने देता था उन सब चीजों को हाईलाइट

बट दे टेक गुड केयर ऑफ अस दे अब यहाँ पे मोबिल नहीं है ये मिजबिल है तो यहाँ पर ये मिजबिल बोलता है बट दे टेक गुड केयर ऑफ़ अस तो यहाँ पर मिजबिल का डायलॉग शुरू हो जाता है वो कहते हैं नहीं मेरी तो बहुत ध्यान रखते हैं वो द वे माई ओनर सेव्ड मी इन अ फ्लाइट तो वो अपना इंसिडेंट बताता है बाबा इसमें इंसिडेंट जा लो कि कैसे वो अच्छा है और कैसे टाइगर के लिए केस बुरा था उसने बोला कैसे उसने मुझे फ्लाइट में बचाया जब हम लोग साथ में ट्रैवल कर रहे थे इंग्लैंड के लिए इट इज इनएक्सप्लीकेबल मतलब कैनॉट कैनॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स तो इस इज मैं इन्हें कैनॉट एक्सप्रेस एक्सप्रेस इन वर्ड्स उसने बोला मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता टाइगर ने बोला अवर्स ऑफ द फैक्ट ऑफ स्टेइंग अवे फ्राम आवर में हमेशा से अगेंस्ट था कि मुझे हमारे नेचुरल हैबिटेट के अगेंस्ट क्यों रखा जा रहा है एंड एंड बीइंग लॉन्ग इन अ कॉन्क्रीट सेल और मुझे कॉन्क्रीट सेल में बंद किया हुआ है मिजबल ने बोला आई वुड प्रे कि तुम्हें भी अपनी फ्रीडम मिले टू येरेटरी एंड वहां पर तुम एज किंग ऑफ अ जंगल रह सको जो तुम ऑलरेडी हो तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा हम लोगों ने देखा थीम पे और कुछ इंस्टेंसेज उठा लिए चैप्टर के ठीक है हम लोगों ने इंस्टेंसेज उठा लिए इंस्टेंस बेस्ड डायलॉग्स बना सकते हो बच्चों आप लोग इंस्टेंस बेस्ड डायलॉग्स आप लोग क्रिएट कर सकते हो अपने आंसर के लिए थीम बेस्ड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन काउंट होते हैं ठीक है और इसके अंदर आप लोगों को कन्वर्सेशन ब्लॉग कुछ भी दिया जा सकता है तो आपको चैप्टर की थीम को ध्यान में रखते हुए उसके आंसर को बनाना होता है तो अब यहां पे ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अगेन सैंपल पेपर में से सवाल आता है आई थिंक ये सैंपल पेपर टू का सवाल है तो मतलब अब ये मान के चलो कि ऑलमोस्ट हर सैंपल पेपर में ऐसा सवाल है इस साल वो कहते हैं नॉट वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विद एनी लाइन ये लाइन थी? थी बच्चों आप लोगों के, आ, एट बनारस के, के अंदर कि ना तो रोने से और ना दुखी होने से बुद्धा सरमन टू हेल्प द बॉय टू कोप विद ऑफ हिज बॉल यानी किसी के जाने से जिंदगी थम नहीं जाती अगर ये लेसन आप लोगों को बॉल पोयम वाले लड़के को देना है अब देखो इन लोगों ने कौन से दो चैप्टर्स उठा लिए उन्होंने उठा लिया बॉल पोयम बॉल पोएम भी क्या दिखाता है द द लॉस 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 वन फेसेस इन लाइफ अब वो भले भले ही ही बॉल का हो या इंसान का हो दोनों के लॉस को वो दिखाता है तो हमारे पास कॉमन थीम क्या हो गई हमारे पास यहाँ पर जो बच्चों कॉमन थीम हो गई वो हो गया लॉस तो हमें लॉस को समझाते हुए दोनों में से इंस्टांसिस उठाने हैं अपने आंसर को बनाने के लिए ये ना थोड़ा दिमाग चलाने वाले सवाल है बस आपको हेल्प करना है उस बॉय का जिसने अपनी बॉल खोई है फ्रॉम द बॉल पोएम एंड व्हाट इट सिग्निफाइज व्हाट वुड यू इंक्लूड इन योर एडवाइस आप लोग क्या एडवाइस दोगे आल्सो कि क्यों इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड द दोशन यानी उस बॉय के लिए इस चीज को समझना कि बॉल खो गई उसके लिए ये एक मुश्किल नोशन कैसे है आप लोगों को जो मेरे क्वेश्चन है ना वो थोड़े से इसके लेवल से ईजी है बिकॉज मैंने थीम कॉमन उठाई है वो क्वेश्चन के अंदर आंसर वही आएगा लेकिन क्वेश्चन बदल के दे, दे देंगे अगर वो क्वेश्चन आ जाते हैं लकीली आई रियली रियली वॉन्ट ऐसा कोई क्वेश्चन ना ना, आए पेपर में, बिकॉज़ बिकॉज़ मुश्किल होते हैं हैं, ये 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 वाले सवाल थोड़े। बट अगर आ जाता है, तो ऑन दी अदर हैंड कि जो जो भी भी बच्चे सब सब पढ़ रहे हैं, उन सब के लिए वो बहुत हेल्पफुल हो, ये जो जितना भी मैं आप लोगों को दे रही इट उट की सच्चाई बताता है कि no spilled milk, spilled milk. जो हो गया, उस पर रोने का कोई फायदा नहीं होता अकॉर्डिंग टू बुद्धा वाइज पीपल do नॉट ग्रीव बुद्धा के अकॉर्डिंग जो समझदार लोग होते हैं वो ग्रीव नहीं करते वो सैड नहीं होते वो दुख नहीं मनाते लॉस ऑफ इिप्लेसेबल थिंग्स ब्रिंग ग्रीफ एंड सोरो लेकिन वो चीजें जो इन इन रिप्लेसेबल है सॉरी यानी वो चीजें जिनकी जगह आप बदल नहीं सकते उनसे अगर कोई दुख आ रहा है तो हम मानते हैं लेकिन यहाँ पे बच्चे का क्या था बच्चे की तो बॉल थी ना वो रिप्लेबल है लर्निंग टू स्टे का मॉडल नेचर ऑफ थिंग्स इन लिविंग लाइफ नॉर्मली एंड फॉर गेटिंग लॉस यहाँ पर हमने अपना पॉइंट क्या दिया हमने अपना पॉइंट दिया कि काम रहने से और चीज़ों को समझने से कि भैया वो मॉडल है यानी उनकी लिमिटेड जिंदगी है वो हमें हेल्प करेगी उस लॉस को कोप करने से अपनी जिंदगी को नॉर्मल तरीके से जीने में और उस लॉस को भूलने में भी अगर ह्यूमंस लर्न कर सीख जाते हैं लर्न टू कॉम्प्रोमाइज अगर वो कॉम्प्रोमाइज करना सीख जाते हैं अपने लॉसेस के साथ और मूव ऑन करते हैं विदाउट लुकिंग बैक तो वो समझ जाएंगे कैसे जिंदगी जीनी है तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या दे दिया यहाँ पर हमने जो पूरा मैसेज है या जो थीम है पूरे आंसर्स का हमने डिटेल में वो एक्सप्लेन कर दिया अब यहाँ से बुद्धा के सरमन की जो टीचिंग है अगर हम उसे लाते हैं किसके केस के अंदर अगर हम उसे लेकर आते हैं बॉय के, के केस के अंदर फ्रॉम द बॉल पोयम तो वो कुछ ऐसे आएगा द यंग बॉय इन द पोए लूज बॉल ठीक है पता था डिसहार्ट बड़े दुखी दुख के साथ विदिडेंट हीकम द लॉस अब हमने क्या बड़ा लॉस है जो इंसान जितना जल्दी ओवरकम कर पाएगा वो उतनी खुशी से जिंदगी जी पाएगा तो बच्चा जिसने पहली बार बॉल को खोया है वो लॉस में खो जाता है ऐसे बुरा लगता है उसको बहुत ज्यादा एंड कीप्स थिंकिंग अबाउट द बाउंसी बॉल और उस बॉल के ख्याल में खोया रहता है वॉटर टेकिंग हिस्स चाइल्ड हुड मेमरीज अलॉन्ग विद इट द बॉय इज सो ग्रीफ स्ट्रिकन वो बहुत दुखी है कि उसकी बॉडी शेक करने लगती है रिप्लेसमेंट ऑफ बॉल इज नॉट येट द मेमरी पर अगर मैं आप लोगों को इस आंसर के अंदर एक्स्ट्रा पॉइंट दू तो आप लोग इसमें डाल सकते हो कि ये बुद्धा का जो सरमन था वो उसे एक लेसन देता है बॉय को फॉर द बॉय कि जितना जल्दी द फास्टर ही ओवरकम्सम ही वुड बी जितना जल्दी बाहर आएगा उतना ही ज्यादा खुश वो हो पाएगा अगर वो चाहता है उस चीज से बाहर आना तो उसके लिए जितना जल्दी वो सरमन को समझेगा उस लाइफ लेसन को समझेगा एक लाइन

आ आ पाएगा समझ में में गया बच्चों ये 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 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन 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 है 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 पेपर का है। तो जो बच्चे पेपर में आते हैं हैं उनके रिपीट होने के चांसेस भी भी होते हैं। बट हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे अपन सब करके जाएंगे अच्छा और खड़े हो जाए नो मैटर वो इन द पोए

बनारस तो दोनों लॉस को शो करते हैं हो सकता है कि वो आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन दे दे कि ये बताओ कि बॉल पोयम और सरमन एट बनारस लॉस के साथ कैसे डील करते हैं तो क्वेश्चन कैसे भी फॉर्म में आ सकता है थीम इंस्टांसेस थीम इंस्टांसेस इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है कि उस चैप्टर का अंडरलाइंग मैसेज क्या है कि वो हमें बताना क्या चाह रहा है समझ में आया बच्चों अगला है पेरेंट्स एक बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करते हैं इन द ब्रिंगिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन क्रिटिकली हमने एक क्वेश्चन किया हुआ है मैंने भोली वाले में कराया था आप लोगों को पेरेंट्स एक बहुत ही क्रुशल रोल प्ले करते हैं बच्चे की अप्रिंग के अंदर क्रिटिकली एग्जामिन द पेरेंट्स ऑफ भोली एंड ई ब्राइट हाईलाइटिंग देयर इंपैक्ट ऑन देयर चिल्ड्रेन लाइफ अभी इसी के साथ ना बच्चों एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और देकर जा रही हूँ इसके साथ अभी पहले ये करा के एक और मेरे दिमाग में आया है जस्ट अभी अभी ये सवाल भोली और ई e. ब्राइट इन दोनों की जो मदर का रोल है ना बच्चों हम लोग उसको हाईलाइट करने वाले हैं बिकॉज इसके फादर नहीं थे के फादर थे तो इन दोनों की लाइफ के अंदर क्या थीम थी इंपॉर्टेंस ऑफ मदर कि मदर का क्या रोल था ठीक है इंपॉर्टेंस या रोल क्या रोल प्ले किया है माताओं ने हमारी माताओं श्री ने इन दोनों चैप्टर्स के अंदर वो इन दोनों के अंदर हाईलाइट किया जाता है तो वो कहते हैं पेरेंट्स एक बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करते हैं अपने बच्चे की जिंदगी को इफेक्ट करने के लिए और ई ब्राइट और बोली के पेरेंट जो थे वो टू साइड ऑफ द सेम कॉइन यानी वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू थे ई ब्राइट की मदर बहुत अच्छी थी और उसकी मदर जो थी बोली की शी वॉज वेरी वेरी बैड शी वॉज वेरी क्रूअल ई ब्राइट मदर वॉज लविंग ंडस्टैंडिंग एन companion टू हिम देखो यहाँ पे वर्ड एड्जेक्टिव यूज किए गए हैं जितने आंसर में एडजेक्टिव डालोगे ना बच्चों आंसर की क्वालिटी उतनी अच्छी होती जाएगी शी इन्वेस्टेड हर टाइम वो अपना समय देती थी, थी अपने बच्चे को अपनी एनर्जी डालती थी उसकी अपब्रिंगिंग के अंदर और वही शायद उसके सक्सेस का रीजन बना है She ensured उनका सन इंक्लिनेशन यानी उनका जो फोकस है जो उनका बेंट ऑफ माइंड है ठीक है क्या है उनका बेंट ऑफ माइंड जो ख्याल जो सोचने का नजरिया है वो ध्यान रखे वो क्या सोच रहा है वो किन सब चीजों के बारे में दिमाग लगा रहा है टूवर्ड्स इज टेकन केयर ऑफ अ डोटिंग मदर एज शी इज यानी अ ग्रेट मदर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ऑफ अदर दैट द वे मदर शुड बी हर हार्ड वर्क टूवर्ड्स मेकिंग हर सन साइंटिस्ट इज वेल पेड ऑफ उनकी जो मेहनत थी अपने बेटे की तरफ उनको एक अच्छा साइंटिस्ट बनाने के अंदर इट एज डेफिनेटली पेड ऑफ दिस वॉज समथिंग जो उन्होंने बहुत ही अच्छे से करके दिखाया था सो so, यहाँ पर उस चीज को उन लोगों ने हाईलाइट किया है द स्ट्रेंथ लाइज इन स्टैंडिंग अप आफ्टर एवरी फॉलन बीइंग ब्रेव नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज उनके मम्मी ने उनको वो 7th क्लास वाले इंसिडेंट के अंदर सिखाया था या कहीं ना कहीं वो उसकी मम्मी का ही लेसन था जो ई ब्राइट की जिंदगी में हमेशा रहा कि इररिस्पेक्टिव आप कितनी बार जिंदगी में गिरते हो इट इज ऑलवेज योर फर्स्ट अटेम्प्ट टुवर्ड्स लर्निंग फिर अपने आप में एक फुल फॉर्म है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग किसी भी चीज को सीखने का आपका पहला अटेम्प्ट है फेल तो अगर आप फेल हो भी जाते हो तो आपको दुखी होने की जरूरत पेपर में फेल नहीं होना मतलब लाइफ में ऐसे को कोई चीज में अगर आपको लगता है कि पहली बार में आपको कामयाबी हासिल नहीं हुई वो फेल की बात हो रही है अगर आपको लगता है कि पहली बार में आप लोगों को कामयाबी नहीं मिली फिर से कोशिश करो क्या पता अगली बार आपको उस चीज के अंदर कामयाबी मिल जाए तो बॉय जो था इस वेट ये कुछ पिछले वाले का आ गया सॉरी माई मिस्टेक दिस इज माई मिस्टेक जो थे वो कैसे देते इन डिफरेंट इन डिफरेंट का मतलब हो गया भैया वो बिल्कुल ही केयरफुल नहीं थे नॉट केयरफुल वो बिल्कुल भी बोली के ऊपर ध्यान नहीं रखते थे देवर बायर्स यानी देवर आ, हम कह सकते हैं बड़े भेदभाव करते थे बाकी बच्चों के अंदर एंड वेर इनसेंसिटिव उन्हें बोली से भी कोई ध्यान नहीं पड़ता था डिड नथिंग टू हेल्प बोली ओवरकम हर हैंडीकैप अब वो चाहते हैं तो भोली को सपोर्ट कर सकते थे लेकिन नहीं तो इसीलिएदार ने बोला था कि भैया किसी डॉटर को भेजो ताकि हम सब लोगों को एक लेसन दे सके सब लोगों को एक वो दे सके एग्जाम्पल दे सके कि तहसीलदार ने भी अपनी बेटी को भेजा है तो हम भी अपनी डॉटर को सेंड करेंगे तो इसीलिए उन्होंने अपने डॉटर को वहां पर भेजा ताकि वो भी वहां जाए और पढ़ सके नॉट बिकॉज क्यों एजुकेशन देनी थी बट जस्ट टू सेव देयर इमेज इन फ्रंट ऑफ देयर ओन सोसाइटी डिस्पाइट देयर प्रोस्पेरिटी दे लेफ्ट भोली टू हर ओन मिजरी इतना पैसा होने के बाद भी उन्होंने भोली को बस छोड़ दिया ना उसे खाना दिया ठीक है ना उसके बालों को सही किया ना उसे के कपड़े दिए वॉज गिवन हैंडमेड आउट क्लोथ सेकंड कपड़े दिए जाते थे

और बोली के साथ साथ हम लोगों ने देखा ई ब्राइट की लाइफ के अंदर अब इसके अंदर अगर हम एक और बच्चे की मम्मी को ऐड कर दें तो ये एक और सवाल मेरे हिसाब से मुझे उम्मीद है कि पेपर में वो लोग पूछ सकते हैं मान लीजिए वो आप लोगों को कहते हैं कि मदर्स जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मदर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल मैं वेरी इंपॉर्टेंट का शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द चाइल्ड्स लाइफ अपने बच्चे की जिंदगी के अंदर मम्मी का रोल बहुत बड़ा होता है इन द चाइल्ड्स लाइफ यहाँ पे जस्टिफाई द स्टेटमेंट अब जस्टिफाई करने को दे दिया जस्टिफाई द स्टेटमेंट किसके टर्म्स में जस्टिफाई इन टर्म्स ऑफ अभी हमने दो बच्चों का देखा है जिसमें हमने देखा बोली का और बोली के साथ हमने देखा ई ब्राइट का राइट बोली ई ब्राइट और अगर इसमें हम एक तीसरी बच्ची और डाल दे जो बेचारी अपनी मम्मी से बहुत परेशान थी वो थी हमारी अमेंडा तो इमेजिन करो अब तुम्हारे पास तीन लोगों की मम्मी हो गई बोली जिसकी मम्मा हमें पता है बहुत अच्छी नहीं थी फिर हमारे पास ई ब्राइट जिसकी मम्मी बहुत अच्छी थी और फिर तीसरी थी हमारे पास अमांडा जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट मदर थी ठीक है वो भी ज़्यादा अपनी बेटी के बात पर ध्यान नहीं देती थी ठीक है यहाँ पर हम ये वाला कलर लेके कर लेते हैं कि वो भी अपनी बेटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी उनका भी अटेंशन फोकस ज़्यादा था लेकिन शी वॉज ओवर प्रोटेक्टिव वो बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव और बहुत ही ज़्यादा ओवर पोजेसिव थी ठीक है यानी वो अपने आप को दिखाना चाहती थी कि यू नो आई एम द बेस्ट या मेरी बेटी जो है वो अच्छे से रहे एंड आई वांट हर टू बी द बेस्ट बट इन दैट केस वो काफी ज्यादा इनकंडरेट हो गई थी इनकसिडरेट क्यों हो गई थी बिकॉज उसकी मम्मी ये चीज नहीं समझ पा रही थी कि भैया उनकी बेटी को वो चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं एट अ यंग एज अब तुम उसे कह रहे हो तुम चॉकलेट मत खाओ तुम्हारे फेस पर एक्ने हो जाएगा एक छोटी सी बच्ची कैसे समझ सकती है कि चॉकलेट नहीं खाना है एक्ने हो जाएगा वो इस हद तक पहुंच जाती है कि वो अपने आप को ऑर्फन मानने लगे तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि पर उसकी मम्मी जो थी ना शी वॉज शी उन्होंने बहुत ज्यादा उसके लिए कर दिया था कि जब उसको बोला कि अच्छा बनना अच्छा बनना है बट उस अच्छा बनाने के चक्कर के अंदर उसकी मम्मी उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रही थी अनेबल टू अनेबल टू कनेक्ट विद हर इमोशनली जिसकी वजह से मांडा का हाल ऐसा हो गया कि शी स्टार्टेड टू तो बिलीव कि नहीं भाई मम्मी ना ही हो तो अच्छा है मैं मैं अगर ऑर्फन ही हूँ तो वही मेरे लिए बेटर है तो हम लोगों ने ई ब्राइट और बोली की मम्मी को देखा इस क्वेश्चन में अगर मान लो वो अमांडा की मम्मी से रिलेटेड भी कोई सवाल पूछ लेंगे तो उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ठीक है आई होप यहाँ तक सबको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा ये एक ऐसा क्वेश्चन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि पेपर में वो लोग पूछ सकते हैं तो इट वॉज माई रिस्पॉसिबिलिटी टू गिव यू दिस क्वेश्चन तो जो कि मैंने अब दे दिया है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है प्रांजोल और राजवीर के ऊपर अगेन ये क्वेश्चन सैंपल पेपर से लिया गया है जो भी क्वेश्चन है वो या तो इस साल के या पिछले साल के सैंपल पेपर से लिए गए हैं बिकॉज यही दो ऐसे साल है जिनके अंदर इस तरीके के सवालों को हमसे पूछा गया है तो वो कहते हैं प्रांजोल एंड राजवीर डिस्कस नेक्स्ट वेकेशन डेस्टिनेशन अब यहाँ पर प्रांजोल और राजवीर ने अपनी अगली वेकेशन डेस्टिनेशन के बारे में डिस्कस किया उन लोगों ने कूर्ग और गोवा को सिलेक्ट किया देखो अब ये लोग पिछले चैप्टर में पहुंच गए और गोवा को जो उससे और भी पिछले चैप्टर में था

की फैक्ट डाला वहां पर ना बहुत अच्छे कॉफी प्लांटेशन है तो चलो वहां पर होकर आते हैं आई कैन स्मेल दरोमा ऑलरेडी बिकॉज यहाँ पर लिखा है ना कि एक मौसम ऐसा आता है वेर यू कैन फील दू कन फील द स्मेल ऑफ कॉफी इन द ब्रीज तो यहाँ पर उसने वही पॉइंट दिया कि भैया मुझे तो पहले से ही स्मेल आनी शुरू हो गई है उसकी प्रांजल ने बोला विजिटेड अ टी प्लांटेशन लास्ट ईयर आई वांट टू उसने बोला कि मैं लास्ट ईयर तो टी प्लांटेशन होकर आया था अब वापस से कॉफी प्लांटेशन जाकर क्या करेंगे कोई नई जगह पे चलते हैं तो मे बी इस बार वो कहा जाने की बात करेगा वो बात करेगा गोवा जाने की कि चलो इस बार गोवा होकर आते हैं बिकॉज गोवा जाने के प्लान तो सभी के होते हैं अब देखते हैं इसका सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है राजवीर हे प्रांजल आई थिंक वी शुड बी विजिटिंग कूर बिकॉज दैट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस प्रांजल ने बोला यस yes, विजिटेड टी प्लांटेशन लास्ट इन आई वॉन्ट टू अब देखते हैं जाना है लेकिन गोवा जाने से बेटर बहुत सारी चीजें हैं यार कूर्ग में मैं तो कॉफी को स्मेल क्यों करूँ कॉफी से और भी ज्यादा बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो वहाँ पर जाकर मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ तो वाई नॉट गो फॉर दैट वहाँ जाते हैं ना सिर्फ इधर की तरफ क्यों रहे जस्ट गिव से

Rajal Bola, that sounds interesting, but I would prefer some serene moments too. अवे फ्राम दिस स्पोर्ट्स पैंडेमिक हसल वसूल तो उसने बोला कि यारे पैंडमिक के बाद तो दुनिया पागल हो गई है इन स्पोर्ट्स के लिए मैं ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहता आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस समथिंग एल्स मैं एक बार चश्मा पहन लू आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस समथिंग एल्स आई वॉन्ट टू यू नो इन्जॉय समथिंग एल्स बिकॉज ये सब ना मैं 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 मलरेडी कर चुका हूँ तो आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग ऑल दीज थिंग्स कुछ डिफरेंट कर लेते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग कर लेते हैं नो क्या करेंगे वॉटर स्पोर्ट्स करके वही स्पोर्ट्स हम हर बार करते हैं लेट्स ट्राई समथिंग न्यू राजी ने बोला ओ दी आंसर इस कूर का नहीं नहीं कूर के चलते हैं ना इस बार फिर से उसने तो उसने बोला बोला ओ कम ऑन यू बी सीरियस अब आप कितना कितना करोगे तुम बिलीव मी इज द प्लेस इट इज ब्यूटिफुल नेचुरल इट हैज ब्यूटीफुल नेचुरल वॉकिंग ट्रेल्स अब तुमने वहां पे हाईलाइट किया कि यार बहुत सुंदर से वॉकिंग ट्रेल्स हैं वहां ब्राह्मगी हिल्स हैं जो तुम्हें एक पैनानामिक व्यू देते हैं यानी एक वाइड एंगल व्यू प्रोवाइड करते हैं ऑफ द

अब हमारे पास ऑफ इंडिया और सरमन एट बनारस को ज्वाइन करते हुए भी एक क्वेश्चन है अगेन दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम सी बी एस ई सैंपल पेपर ये भी सैंपल पेपर का ही सवाल है इस साल के अंदर ऐसे बहुत सवाल है भैया सरमनेट बनारस जस्ट इज वेल बी कंसिडर्ड एन अदर ग्लिम्स ऑफ इंडिया तो वो कहते हैं सरमनेट बनारस जैसे वहां पर पूरा उन लोगों ने उनके सरमन को एक्सप्लेन किया वो भी अपने आप में इंडिया का ही ग्लिम्स है अपने आप में ही इंडिया का एक पार्ट के बारे में एक्सप्लेन किया गया है

के अंदर काउंट होंगे तो चैप्टर गिव्स अ पीप इनटू इंडिया विच गिव प्रेसिडेंस टू तो स्पिरिचुअलिटी ओवर मटेरियलिज्म ये चैप्टर हमारा कौन सा सरमन वाला जो चैप्टर है वो हमें क्या बताता है वो हमें एक प्रेसिडेंस देता है यानी हम कह सकते हैं अब डिफरेंट व्यू वो हमें एक डिफरेंट व्यू की तरफ लेकर जाता है आगे की तरफ लेकर जाता है कि किस तरीके से हम लोग स्पिरिचुअलिटी यानी हम लोग भक्ति की तरफ बढ़े थे इस तरीके से हम लोग भक्ति की तरफ बढ़े थे ओवर मटीरियलिज्म हमने किस तरीके से चीजों को छोड़ के अब एक नए अप्रोच को हैंडल किया था यहाँ पर एंड सरेंडरिंग ऑल सेल्फिशनेस ओवरकमिंग पेन एंड सफरिंग और किस तरीके से इंसान ने सब सेल्फिशनेस को छोड़ दिया सारे पेन को कैसे ओवरकम करना है वो हमने उस चैप्टर में सीखा था uh,

करता है है, उसको भी करते था तो बनारस को भी अगर में डाल दिया जाए तो उसके अंदर हम गौतम बुद्ध और उनकी पूरी जर्नी को एक्सप्लेन करेंगे अब यहां पर इसमें क्या था इनका जो विजम था यानी जो इनकी समझदारी थी यानी जो समझदारी थी वो इन्होंने शेयर करी थी अपने मासेस के अंदर लोगों के अंदर बाय सरम सरमन यानी जो इनकी रिलीजियस टीचिंग्स होती हैं टीचिंग्स के थ्रू बाई एनलाइटनिंग सीयर्स मतलब अपने आस पास के लोगों को मोर ओवर नॉलेज वॉज नॉट जस्ट थियोरिटिकल उन्होंने जो नॉलेज दी थी बच्चों उस चैप्टर के अंदर वो थ्योरिटिकल तो थी साथ ही साथ वो लॉजिक और पर्सनल एक्सपीरियंस में भी बेस्ड थी फॉर एग्जाम्पल बुद्धा ने ईसा गौतमी को एक एक्सपीरियंस करने को बोला था कि भैया तुम जाओ और सीड्स लेकर आओ मस्टर्ड सीड्स लेकर आओ देन यूल गेट टू नो की यू नो यूल गेट टू एक्सपीरियंस वॉज ट्राइंग टू टेल यू The truth of of common to all by making her getting a hand, get a get handful of mustard seeds from a family which had not lost a dear and near ones. ठीक ऐसी फैमिली से लेकर आओ जहाँ पर किसी ने अपने पास वाले को नहीं खोया है तो यहाँ पर उन्होंने नॉलेज को इम्पार्ट किया था इम्पार्टेड प्रैक्टिकल नॉलेज यहां पर उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज दी थी कि भैया मैं बोल दू इसको तो इसको समझ में नहीं आएगा अंटी शी इज गोइंग टू गो एंड एक्सपीरियंस थिंग्स तब तक उसके भेजने में बात नहीं घुसने वाली है ये लेसन एल्यूसिनेट करता है यानी एक्सप्लेन करता है द फैक्ट ऑफ लाइफ एंड द एंड सीयर्स द एंशियंट इंडिया ये चैप्टर किस तरीके से अगर हम इंडियन इंडियन कल्चर की बात करें मेन स्ट्रीम इंडियन कल्चर की बात करें तो हमारे पास जो हमारे ऋषि मुनि लोग होते हैं ना उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत होती है ऋषि मुनि जो तो लोग होते हैं जो हमारे पास सेंट्स होते हैं इनको बहुत ज़्यादा रेवर किया जाता है मतलब इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती है इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है सोसाइटी तो के अंदर तो सरमन एट बनारस को तो अगर हम ग्लिम्पिस ऑफ इंडिया में डाल देते हैं तो उसके अंदर हम लोग क्या एक्सप्लेन करेंगे इनकी रिस्पेक्ट वर रिस्पेक्टेड और यहाँ पर ये यह कैसे रिस्पेक्ट किए गए थे इसके अंदर हम लोग गौतम बुद्धा जिन्होंने हमारे कंट्री के अंदर बुद्धिज्म के कल्चर को लेकर आए थे थोड़ा सा उसको हाईलाइट करते हुए अपने आंसर को बनाएंगे ठीक है आई होप येम वाला, वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब हमारे पास एक और खराब करने वाला क्वेश्चन सरमान बनारस तो हर जगह डाल रखा है इन्होंने ये क्वेश्चन जो है ना ये एक बुक है आई थिंक ये आप लोगों का सैम्पल पेपर का सवाल नहीं है ये आप लोगों की गाइड बुक है उसका सवाल है क्वेश्चन आप लोगों के गाइड की बुक है उसके लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था मैडम वल्लीस द बस एंड कीसा गौतमी इन सरमन एट बनारस लर्न इन वैल्यूएबल लेसन अबाउट लाइफ ऑफ मॉटल्स यानी वल्ली जो थी हमारी मैडम राइट द बस में और कीसा गौतमी सरमन एट बनारस में दोनों ने इन इन वैल्यूएबल लेसन लर्न किया था हाँ पर अबाउट लाइफ ऑफ मॉटर्स अब यहां पर कीसा गौतमी ने अपने बेटे की डेथ देखी थी और वल्ली ने किसकी डेथ देखी थी भैया वल्ली ने काओ की डेथ देखी थी तो वो उसके लिए भी उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो उसको एक्सप्लेन करते हुए आप लोगों को एक आंसर बनाना है ठीक है बच्चों अब यहाँ पर आ, हम लोग क्या वल्ली और बॉल बोलपोयम के अंदर से कोई लॉस का क्वेश्चन बना सकते हैं आप चाहो तो बना सकते हो लेकिन उसके आने के चांसेस कम है बिकॉज लॉस तो दोनों ने फेस किया है एक ने डेथ देख देखी है एक ने लॉस देखा है तो डेथ वाला केस जो है वो कीसा गौतमी वाले के साथ ही जाएगा वो बॉल बोलपोयम में नहीं जाएगा इसीलिए हम बॉल बोलपोयम में उस सवाल को नहीं बना रहे और ना ही हम उसको डालेंगे क्योंकि उसका यूज नहीं है वो नहीं आएगा पेपर तो क्योंकि थीम है तो लॉस पे लेकिन एक का पर्सनल लॉस है एक ने लॉस को पहली बार देखा है बस दैट इज द डिफरेंस यहाँ पे दोनों के लॉसेज जो है वो डेथ से रिलेटेड है इसीलिए कॉमन हो जाता है अब दोनों में हम लोग क्या बताएंगे वल्ली ने अब डेथ वल्ली ने कहा देखी वल्ली ने कहा डेथ किस ने किस की डेथ देखी किसा गौतमी ने किसकी डेथ देखी किसा गौतमी ने अपने बेटे की डेथ को देखा तो दोनों की डेथ को हाईलाइट करते हुए दोनों की डेथ को डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए इस आंसर को हम लोग बनाने वाले हैं वल्ली क्या थी वल्ली एक आठ साल की लड़की थी वो वेंचर्स अलोन ऑन अ बस राइड जो निकल जाती है वेंचर्स एंड गोज ऑन अकेले निकल पड़ती है एक अकेली राइड के ऊपर बस के ऊपर तो दैट वाज द सिक्स माइल जर्नी फ्रॉम हर विलेज टू द नियरेस्ट टाउन एंड बैक वहां से जाना और वापस आना

जब वो वापस आ रही थी सी द सेम का पूल ऑफ ब्लड ऑन द रोड साइड लेकिन जब वापस आ रही थी तो उसने देखा कि वही जो काव है वो मरी हुई है तो इट वॉज द फर्स्ट टाइम जब उस आठ साल की लड़की ने क्या देखा था उसने डेथ को एक्सपीरियंस किया था The little girl felt miserable to see that a creature that was alive kicking some time ago was now dead. Miserable, yani sad. अब उसको बड़ा ही दुखी feel हो रहा था कि यार मेरे सामने ही वो मर गई.

अनसर्टेन कभी भी आ सकती है पूछकर नहीं आएगी एंड यू ना मैंने उस दिन थोड़े दिन पहले आया उस रीडिंग का कोर्स जिसमें एक लाइन लिखी थी कि एवरी ईयर डी सेलिब्रेट आर डेथ एनिवर्सरी इवन टूडे हम सब लोग बड़ा ही इन वर्स सा थाट है कि एवरी ईयर वी गाइज एवरीबडी ऑन दी अर्थ सेलिब्रेट दियर डेथ एनिवर्सरी बिकॉज किसी को नहीं पता कि क्योंकि है तो तीन सौ पैंसठ में से किसी एक दिन ही मरोगे ना तो एवरी ईयर यू पास योर डेथ सेरेमनी लिविंग तुम अपने मरने वाले दिन पे जिंदा निकल जाते हो बिकॉज द इज गोइंग टू बी सम डे इन द फ्यूचर सम डे यू नो वट एवर टाइम इट इज गोइंग टू बी दर इज गोइंग टू डाई एंड वो इन तीन सौ पैंसठ दिनों में से कोई एक को होने वाला है तो मैंने रेड दिस थॉट ना फॉर सम टाइम आई आवर यार कि मैंने क्या पढ़ लिया बिकॉज दिस इज द रियालिटी दैट एवरी ईयर वी पास आवर डेथ सेरेमनी मतलब वाओ यार इट इज़ एन अचीवमेंट फॉर एवरीबडी लाइक येस डेफिनेटली जिस जिसको ये भी लगता था कि यार वॉट इज लाइफ लाइफ को जीने का क्या तो क्या क्या फायदा है बट नहीं लाइफ इज समथिंग वेरी प्रीशियस इसको संभाल कर रखो एग्जाम्स हैं एग्जाम्स चले जाएंगे इवन इफ यू फील डिसहार्टेंड कि नहीं हो रहा मैम मुसीबत हो जाती है पढ़ा नहीं जाता नंबर नहीं आते कोई नहीं दीज नंबर्स आर येस दे आर इंपॉर्टेंट बट दे आर नॉट योर यू नो लाइफ मेकर्स ऐसा नहीं है कि इन्हीं नंबरों से तुम्हारी जिंदगी बननी है दे आर गोइंग टू भी डिफरेंट थिंग्स एर गोइंग टू भी डिफरेंट प्लेसेज इन लाइफ जिसमें यू कैन एक्सप्लोर गुड थिंग्स तो दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ ट्राई गिविंग योर बेस्ट अपना बेस्ट दो उसके आगे तो लेट वॉट हैपन दो जो हो रहा है बट एटलीस्ट यू हैव दैट सेटिस्फैक्शन कि भाई हमने तमीज से पढ़ा था तो डीमोटिवेट नहीं होना है एकदम ढंग से पढ़ना है अब लास्ट के कुछ दिन रह गए तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड बी वेल ईसा वाज अ यंग मदर हु लूज हर सन टू डे दूसरी तरफा गौतम हुई थी so जिंदा करो जिंदा करो, करो। तो खो दिया था ग्रीव मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गली uh, उसको बड़ा ही दुख लग रहा था बड़े अनबुरे तरीके से वो फेस कर रही थी अपने बेटे की डेथ को भाई लॉस एंड लूज इज सेंस ऑफ रीजनिंग और वो भूल जाती है कि इसको समझना कि नहीं भैया नहीं आ सकता She moves from door to door seeking medicine that could cure her son. However, जब तो बुद्धा ने उसे बोला कि जाओ और हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स लेकर आओ जहाँ पे कोई भी deer one मरा नहीं है तो she understands कि death एक common phenomena है and that death happens to all. अकेली वो नहीं थी सिंगिंग वन सेल्फ एंड पर्सनल ग्रीफ ओनली मेक्स वन पेलेंस एक अगर आप उस किसी बंदे के जाने के दुख में बैठ जाते हो तो आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी आपका फेस डल हो जाएगा और आप खुद बीमार पड़ जाओगे वन शुड बी वाइज एंड शुड एक्सेप्ट डेथ एज ए नैचुरल एंड ऑफ लाइफ एंड कैन नॉट बी अवॉइड एक ऐसी चीज जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते देआर फोर हमने दोनों के एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन किया और अब हम फाइनल कंक्लूजन देते हैं कि वल्ली और किसा गौतमी ने ये किया कि mortals, जो जी, जो इंसान जी रहे हैं वो अमर नहीं वो अज़र हैं वो कभी भी मर सकते हैं और उनका अंत एक दिन आएगा ये लेसन अप्रिशिएट द लाइफ शुड बी लिव्ड अप्रोप्रिएटली सिंस डेथ कैन ब्रिंग इट टू सडन एंड अब एंड की जिंदगी जैसी है उसको अच्छे से जियो अपना हक पर ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो एक्चुअली लिव लाइफ टू बिकॉज यू नेवर नो ंग टू डाय नो बडी नोज दिस का एंड हो जाएगा आपका मेरा सबका नो बडी नोजन टू डायफ इज वेरी अनसर्टेन टू डू डू जस्ट वन थिंग एन्जॉय यूर लाइफ और जितना कर रहे हो बेस्ट करो हंसो ऐसे जैसे आखिरी बार हंस रहे हो रो ऐसे जैसे और बार बहुत बार रो ना तो मतलब ता तुम्हारे बार बार था 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 तो ताकि तुम्हारे पास बहुत टाइम हो ठीक है एंजॉय योर बेस्ट एन्जॉय टू योर बेस्ट जितना बेस्ट इंजॉय कर सकते हो लाइफ में दोस्तों में हंसो खेलो बातें करो सबसे अब क्योंकि लाइफ इज वेरी अनसर्टेन यू नेवर नो कि आज क्या है कल क्या है तो इसीलिए जो है उसमें खुश रहो और ऐसा नहीं है जितने उस, उसमें मेहनत करने छोड़ दो जो है उसमें खुश रहो लेकिन और अच्छा पाने की कोशिश भी करते रहो ठीक है तो ये लेसन में से हम लोगों ने कीसा गौतमी और वल्ली में हमने किस को हाईलाइट करना है हमने डेथ को हाईलाइट करना है डेथ इज सडन एंड वन शुड नॉट एंड वन शुड नॉट लिमेंट ओवर लॉस अब किसी के लॉस के ऊपर लिमेंट मत करो उसका दुख मत बनाओ और उससे आगे निकल जाओ अब यहाँ पर आता है हमारा एक क्वेश्चन जिसके अंदर अब हम लोग बात करने वाले हैं दो लोगों की अब यहाँ से वो क्वेश्चन है जो पेपर में भी थे एंड आई हैल तो मैंने वो सारे क्वेश्चन उतार लिए हैं जैसे ये क्वेश्चन ना आप लोगों के सैंपल पेपर में था ये क्वेश्चन ना आपके अनसोल्व सैंपल पेपर में था एक्चुअली ठीक है ये आप लोगों के अनसोल्व सैंपल पेपर में था इसी साल के तो दैट इज वाई टेकन दिस क्वेश्चन एज वेल बिकॉज अगर वो अनसोल्व है तो आने के चांसेस ज्यादा है 2023 के अनसोल्व में, में से लिया गया सवाल है इसकी हिंट्स मैं आप लोगों को देकर जाऊंगी वॉट कंट्रास्ट कैन बी मेड बिटवीन नटालिया एंड एन ग्रेगरी फॉर बोथ आर एट दाइफ व्यर कम्पेनियनशिप मीनस अलॉट अब हमने बात करनी है किसकी नटालिया की जो आती है हमारी द प्रपोजल में से और दूसरी हमारे पास है एन ग्रेगरी एन ग्रेगरी कहाँ से आती है भैया एन ग्रेगरी जो आती है वो आती है हमारी कहा से ग्रेगरी आती है हमारी फॉर एंड ग्रेगरी वाली पोयम में से जिसके अंदर वो ये हाईलाइट करती है कि भैया मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो मेरे को प्यार करे सिर्फ जिस तरीके से मैं दिखती हूँ ये दोनों लड़कियां अपने लाइफ की उन स्टेजेस में थी जहाँ पर कंपेनियनशिप यानी जहां पे किसी साथी का होना बहुत जरूरी है ठीक है जस्टिफाई द रिलेशन टू जस्टिफाइडर्स एज डिपिक्टेड इन द प्रपोजल फॉर एन ग्रेगरी रिस्पेक्टिवली अब वो कहते हैं दोनों के रिलेशन बताओ कि दोनों लोग क्या क्या चाहते थे एज डिपिक्टेड इन द करेक्टर्स ऑफ द प्रपोजल एंड फॉर एन ग्रेगरी टिवली वो कहते हैं वट कॉन्ट्रास्ट कैन बी मेड सवाल में वो आप लोगों से पूछ रहे हैं वट कॉन्ट्रास्ट कैन बी मेड दोनों में क्या क्या कॉन्ट्रास्ट किया जा सकता है अगर बात की जाए नटालिया के कैरेक्टर की और एन ग्रेगरी के कैरेक्टर की कि दोनों के कैरेक्टर्स में दोनों के नेचर में क्या फर्क था तो सबसे पहले हम लोग नटालिया के पॉइंट्स को लिख लेते हैं नटालिया जो थी ना अब वो कैसी लड़की थी नटालिया बहुत ही ज्यादा रूड थी ठीक है शी वॉज वेरी रूड रूड टूवर्ड्स लोमोव ठीक है वो लोमोव की तरफ बहुत ज्यादा रूड थी अब रूड कैसे थी रूड वो इसीलिए थी बिकॉज जब नटालिया की बात आती है लोमोव के बारे में तो शी बोलता लाइक कि तुम फॉगर हो यू आर यू आर दैट उसको बहुत ज्यादा खराब तरीके से बोलाड कंपेनियनशिप बट वॉन्टेड टू बी बट वॉन्टेड हर पॉइंट टू बी बट वॉन्टेड हर पॉइंट टू बी अपहेल्ड वो चाहती थी कि उसके पॉइंट को ऊपर रखा जाए ठीक है तभी वो उसकी बात को सुन नहीं रही थी ऑक्सन मीडोज वाली बात पे मान नहीं रही थी शी वॉज अ लव सिक कैटी

नहीं करती थी फिजिकल अपियरेंसेस फिजिकल अपियरेंसेस डिडेंट मैटर डेस्परेट थी ये शादी के लिए डेस्परेट थी ये शादी के लिए शी कैन मैरी एनी मैन

तो इन दोनों रिलेशन, इन दोनों दोनों रिलेशन रिलेशन कैरेक्टर्स के को बताना है इन टर्म्स ऑफ प्रपोजल और ग्रेगरी तो हमने नटालिया के बारे में लिखा कि वो रूट थी मोब के साथ बट और पॉइंट लेकिन वो चाहती थी कि भैया उसका पॉइंट ऊपर है तो हम ये कह सकते हैं कि वो थोड़ी सी डेस्परेट थी या बहुत ही बॉसी थी बहुत ही कंट्रोलिंग थी अपने नेचर के अंदर अगर वो शादी की बात करते हैं बॉसी थी और कंट्रोलिंग थी और बहुत ही आउट स्पोकन थी बिल्कुल क्लियर थी कि भैया मेरा क्या पॉइंट है लव सिक कैट हर फिजिकल अपियरेंस डिट मैटर वो बहुत डेस्परेट थी कि भैया करा दो शादी आई एम रेडी टू गेट मैरिड बस मेरी शादी करा दो और वो बहुत ज्यादा उसको भी एंगर इश्यूज़ थे थोड़े से क्योंकि वो भी लास्ट के अंदर सिर्फ चिल्ला रही थी और वो कुछ चीजों को जज नहीं कर रही थी शी लैड अ गुड जजमेंट ठीक है इसके साथ प्रॉब्लम क्या थी शी लैक अ गुड जजमेंट उसको ये था कि भैया सामने पड़ोसी आया है मेरे लिए रिश्ता लेकर आया है तो मैं कर लेती हूँ शादी शी डिडंट इवन थिंक शादी करने से पहले और बस ठीक है ठीक है बाबा मेरी शादी करा दो एंड शी गॉट मैरिड अब दूसरी तरफ आती है भैया हमारे पास एन ग्रेगरी जी एन ग्रेगरी कहती है ये बहुत ही ज्यादा विजिलेंट थी इवन दो शी वोज एट द लास्ट फेज अपना शादी वाले केस के अंदर वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल थी ठीक है ये भी बहुत ज्यादा आउटस्पोकन थी मतलब उसको पता है कि अपने को कैसे रखना है शी पुट उसने अपने पॉइंट्स सा के सामने क्लियरली रखे थे उसने बोला कि भैया देखो अगर कोई इंसान मुझे मेरी फिजिकल अपियरेंस के लिए पसंद कर रहा है तो मुझे नहीं करनी शादी ठीक है फॉर हर इमोशंस मैटर्ड ओवर इमोशंस मैटर्ड ओवर फिजिकल अपियरेंसेस ठीक है वो फिजिकल अपियरेंस ऊपर उसके लिए सामने वाले का नेचर मैटर करता था कि भैया उसका नेचर कैसा है अगर वो इंसान उसको उसके दिल के लिए प्यार कर रहा था वेल एंड बोर्ड अगर वो उसको प्यार कर रहा है कि भैया वो कैसी दिखती है तो उसको ऐसे आदमी से शादी नहीं करनी वो अपने पॉइंट्स क्लियरली सामने रखती थी उसके लिए इमोशन ज्यादा मैटर करते थे ओवर फिजिकल अपियरेंसेज उसके बाद शी वॉन्टेड शी कुड शी कु रेडी टू वेट फॉर द परफेक्ट मैच यहाँ पर वो शी वॉज करा दो करा दो शादी करा दो शी वॉज यहाँ पर रेडी थी वेट करने के लिए शी वॉज रेडी टू वेट फॉर परफेक्ट मैच यहाँ पर वो परफेक्ट आदमी के लिए वेट करने को रेडी थी शी वॉज रेडी टू वेट फॉर परफेक्ट मैच

क्या नाम था उसका हमारा लॉलेस बंदे वाले का ग्र, ग्रिफिन मैंने उन दोनों के बीच में एक क्वेश्चन दिया था जिसके मुझे काफी तीन चार बच्चों ने आंसर्स कमेंट बॉक्स में दिए थे आई चेक योर आंसर देव गुड वेरी गुड अगर आप लोगों को लगता है आप लोगों को भी अपने आंसर्स चेक कराने हैं कि आप लोग क्या क्या पॉइंट इसमें डिश्ने डाल सकते हो आंसर की फॉर्मेशन क्या है तो प्लीज गो अहेड आप लोगों को हिंट्स में दे रही हूँ कि कौन से कौन से आंसर में आप लोग क्या क्या चीजें डाल सकते हो उसके बाद आप लोग मुझे आंसर्स भेज दोगे तो आई डेफिनेटली गो थ्रू योर आंसर्स एन आई चेक देन ठीक है तो दिस वॉज अ डिफरेंस बिटवीन एंड एन ग्रेगरी अब आता है of of thieves, Horace, question, हिंदी बोर्ड बोस्टर वाले बैच में कराया था अब क्योंकि मैंने उस समय कराया था ना करातीन रॉन्ग तो so, यहाँ पर बच्चों हमारे पास दो थी थे हमारे पास दो थी कौन से थे हमारे पास दो थी थे एक था हमारे पास हॉर एस जैनबाइ ठीक है हॉरेस डैनबी हर हॉरेस डैनबी और दूसरी तरफ बच्चों हमारे पास था हरी सिंह ठीक है दूसरी तरफ था हमारे पास हरी सिंह डैनबी कितने साल का था डैनबी वाज इन द अर्ली 50स अधेड़ उम्र का आदमी था अर्ली 50स और ये कितने का था ये था अर्ली टीन 30 में यानी इसकी एज हमने पंद्रह साल दे रखी है तो हमें पता है कि ये 15 साल का बच्चा था ठीक है ये भी चोर था ये भी चोर था ये किताबें चुराता था और ये लोगों के सहसा घर के घरों में चोरी करता था अब यहाँ पर आप लोग पूरा वो आ, कौन सा शॉर्ट ओवर ग्रेंज को समझाएंगे यहाँ पर आप लोग शॉर्ट ओवर ग्रेंज वाला इंसिडेंट बताएंगे पूरा का पूरा कि शॉर्ट ओवर ग्रेंज में क्या हुआ था यहाँ पर आप लोग लेडी इन रेड की इंपॉर्टेंस बताएंगे ठीक है लेडी इन रेड की इंपॉर्टेंस क्या थी कि लेडी इन रेड ने इंपॉर्टेंस नहीं इंपॉर्टेंस बताएंगे कि लेडी इन रेड ने कैसे यहाँ पर क्या क्या किया था और कैसे उसने सबका पागल बनाया था लेडी इन रेड की इंपॉर्टेंस आएगी लेडी इन रेड के बाद बच्चों यहाँ पर आप लोग इसमें लिखेंगे पूरा का पूरा वो मनी वाला इंसिडेंट की मनी टेकन अवे किस तरीके से वो यहाँ से पैसे लेकर चला गया था सारे वो वाला पूरा का पूरा इंसिडेंट आप एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर आप लोग रोल ऑफ अनिल एक्सप्लेन करेंगे कि रोल ऑफ अनिल ने उसको कैसे पढ़ाया लिखाया बड़ा पढ़ा कराया अब दोनों के केस में ये तो हो गई भैया इन दोनों की कोर्स ऑफ लाइफ ठीक है ये दोनों क्या हैं ये है इनके कोर्स ऑफ लाइफ जो हमारे आंसर में हमें एक्सप्लेन करने हैं अब अगर बात आती है इन दोनों के कोर्स ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करने के बाद कि आप लोग इनमें कैसे बताएंगे कि दोनों की लाइफ सेपरेटली कैसे गई तो उसके अंदर बच्चों हम लोग क्या करेंगे हम लोग पहले लिखेंगे डैनबी के बारे में हम लोग बताएंगे डैनबी ने जब चोरी करी तो चोरी करने के बाद ही वो कॉट उसे पुलिस ने पकड़ लिया कॉट एंड पुट इन जेल और यहां से उसको जेल में डाल दिया गया ठीक है यहां पर इसको जेल में डाल दिया गया और उसके बाद ही ये तो हो गया डैनबी का पॉइंट अब डैनबी के बाद अगर बात आती है हमारे पास दूसरे बंदे की जो था हमारा हरी सिंह हरी सिंह के साथ क्या हुआ हरी सिंह वॉज कॉट पकड़ा वो भी गया था बट वॉज फॉर गिवन बाय किसने फॉर गिव कर दिया था बट वॉज फॉर गिवन दोनों अनिल ने उसको अनिल अनिल का ने उसको माफ कर दिया था अनिल ने बोला कि भैया ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आई हैिवन यू तो अनिल ने इसको माफ कर दिया अनिल के माफ करने के बाद क्या होता है he taught him. वो उसे पढ़ाता है लिखाता है टॉट हिम एंड मेड हिम केपेबल और इसको अच्छा करने के लिए एंड मेड एंड कहते हैं कि ये स्टोरी अनिल ने खुद लिखी है और या ये प्रूफ कैसे है अनिल ये सॉरी हरी ने ये स्टोरी लिखी है तो यहाँ से मैं पता लगता है कि हरी रोड दिस स्टोरी बिकॉज हरी का द्वारा नरेट कर करी गई है हरी तो यहाँ से हमें दोनों के केस का पता लग जाता है कि एक चोर की जिंदगी खराब हो जाती है लेट अ मिजरेबल लाइफ या वॉज नॉट लिटरेट एंड वॉज लिविंग अ गुड लाइफ और अब वो अच्छी जिंदगी जी रहा था तो दोनों ही चोर थे लेकिन दोनों की चोरी करने के बाद दोनों की लाइफ किस तरीके से अलग हो जाती है डिफरेंट हो जाती है वो हम इस पार्ट के अंदर एक्सप्लेन कर देंगे समझ तो में आ गया ये आप लोगों का कंक्लूजन वाला पार्ट होगा जिसको आपको थोड़ा सा लंबा करना है बिकॉज क्वेश्चन के अंदर मेनली आपसे यही पूछा गया है तो हॉरिश जाहवी के बारे में बताओगे कि, कि वो बड़ी बेकार जिंदगी जी रहा था जेल में

I did this, I did that. So, I कर रहा है नहीं, खुद लिख रहा है ना तो इसमें हम ये कह सकते हैं स्टोरी के द्वारा कि जो हरी था वो पढ़ा लिखा हो गया था ठीक है दिस इज हाउ यू कैन एंड दी आंसर आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अब आती है हमारे पास एक पोयम ये भी मैंने आई हैव डिजाइंड चैप्टर्स है साथ जब मैंने बोर्ड बोर्ड से हिंदी में पढ़ाया है अभी जितने ही चैप्टर्स हो गए तो वहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली सेम थीम वाले चैप्टर्स साथ लिए थे बट नॉट एवरीबडी हेड सीन दो लेक्चर्स तो इसीलिए अगेन एज ए सेट की वो इंपॉर्टेंटें क्वेश्चन जो आने हैं इन चैप्टर्स में सिट इज माई ड्यूटी टू गिव यू ऑल तो अब जो हमारे पास तीन पोएम्स थी एक थी हमारे पास अमेंडा एक थी हमारे पास ट्रीज़ और एक थी हमारे पास एन ग्रेगरी ये तीनों पोएम जो थी ना बच्चों ये किसी ना किसी साइकोलॉजिकल चीज को डिपिक्ट करती थी एन ग्रेगरी दिखाती थी अपियरेंसेज के ऊपर अमेंडा भी बताती थी अपियरेंसेज के ऊपर ट्रीज दिखाता है फ्रीडम अमेंडा भी हाईलाइट करती है फ्रीडम ग्रेगरी भी हाईलाइट करती है फ्रीडम ऑफ चॉइस तो तीनों चैप्टर्स ह्यूमन साइकोलॉजी के पर्टिकुलर थीम्स को थीम्स फॉर वुमेन को और पर्टिकुलरली ह्यूमन बींग्स इन जनरल को हाईलाइट करता है तो उनके हिसाब से आप लोगों को इस आंसर को फ्रेम करना है ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों ये ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं ये बुक में कहीं पर भी नहीं है बट एज आई है कि भैया मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम के क्वेश्चन लाने हैं तो कोई भी थीम हम छोड़ नहीं सकते कि पेपर में कुछ भी आ सकता है तो हम मुश्किल से मुश्किल लेवल के क्वेश्चन को भी करने के करेंगे। है कि Amanda, और में एक कॉमन वो कॉमन थीम क्या है तो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग इन जनरल में क्या तीनों के बीच में सिमिलैरिटी हम लोगों को देखने को मिली है वो हमें देखना है अब देखो अमेंडा क्या क्या हाईलाइट करता है मैं थीम्स बता रही हूँ यहाँ पर आप लोगों को अमेंडा क्या क्या हाईलाइट करती है अमेंडा दो चीजें हाईलाइट करती है एक तो लाइफ ऑफ अ वुमेन कि औरत को कितना कुछ झेलना पड़ता है अमेंडा ऐसे नहीं बैठना अमेंडा ऐसे नहीं करना अमेंडा ये नहीं करना अमेंडा चॉकलेट्स नहीं खाना अमेंडा फिजिकल अपियरेंस खराब हो जाएगी तो यहाँ पर फिजिकल अपियरेंस को भी हाईलाइट किया गया है फिजिकल अपियरेंस को इम्पोर्टेंस दी गई है अपियरेंस वॉज गिवन इम्पोर्टेंस और ये जनरली ना विमेन को ज्यादा किया जाता है कि विमेन को बोल दिया कि भैया तुम्हें सुंदर लगना जरूरी है तुम्हें अच्छा लगना जरूरी है अमेरिका में एक और चीज हाईलाइट हो रही थी द रॉब्ड फ्रीडम जो फ्रीडम गायब है द रॉब्ड फ्रीडम अमेंडा कुछ नहीं कर सकती अपनी जिंदगी में उसको हर चीज अपनी मम्मी से सुननी पड़ेगी एक औरत की जिंदगी कैसी होती है स्पेसिफिकली अमेंडा की एज अ मदर फिजिकल अपियरेंस इंपॉर्टेंस कि भैया तुम चॉकलेट मत खाओ तुम्हारे फेस पे एक नहीं हो जाएगा ठीक है द रॉब फ्रीडम अमेंडा ऐसे नहीं करना अमेंडा वैसे नहीं बैठना अमेंडा ऐसे करो अंडा वैसे करो अमेंडा यहाँ नहीं जाना अमेंडा सीधा बैठो अमेंडा पेपर बनाओ अमेंडा काम करो तो अमेंडा के पास कोई फ्रीडम नहीं थी तभी वो अपने आपको ऑर्फन से कंपेयर करती है वो अपने आपको रैपन जल से कंपेयर करती है मरमेड से कंपेयर करती है जो एकदम फ्री कैरेक्टर्स फ्रीडम तो नहीं थी उसके बाद दूसरी पोएम बच्चों हमारे पास आती है द ट्रीज द ट्रीज जो है वो भी सब्जिगेशन ऑफ विमेन को हाईलाइट करता है कि किस तरीके से द सब्जगेशनगेशन ऑफ विमेन यहाँ पे किस तरीके से विमेन को दबा के रखा गया है और किस तरीके से विमेन डे नाइट काम कर रही है अपने आप को बाहर निकालने के लिए कि ठीक है अब हम भी फ्री हो जाएंगे तो यहां पर द फ्रीडम ऑफ विमेन को भी हाईलाइट किया गया है इसको क्या किया गया है द फ्रीडम ऑफ वुमेन को भी हाईलाइट किया गया है तो यहाँ पर लाइफ ऑफ अ वुमेन और यहाँ पर भी लाइफ ऑफ अ वुमेन ये लाइफ ऑफ अ वुमेन यहां पर भी आता है कैसे बिकॉज किस तरीके से एक औरत की जिंदगी बहुत ज्यादा रूड बना रखी है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बना रखी है स्ट्रिंजेंट लाइफ दे रखी है उसको कि भैया तुम्हें ऐसे करना है तुम्हें वैसे करना है तुम्हें फॉलो करने हैं सारे के सारे सीरियो मतलब सारे को माना जाता है है औरतों के लिए उसके बाद आती है यहां पर फिजिकल अपियरेंस की वापस से जहां पे बात होती है बच्चों वो होती है हमारी एन ग्रेगरी के अंदर एन ग्रेगरी के अंदर भी क्या बात होती है यहाँ पर भी फ्रीडम ऑफ चॉइस को दिया गया है जो हमें तीनों चैप्टर्स में मिसिंग थी फ्रीडम ऑफ चॉइस कि हमारे पास चॉइस करने की फ्रीडम होगी हमारी हमारी मर्जी है कि हम अपना लाइफ पार्टनर कैसा चुनना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पर फ्रीडम ऑफ चॉइस मिसिंग थी फिर एन ग्रेगरी के अंदर एक और चीज़ हाईलाइट करती है फिजिकल इम्पॉर्टेंस कि किस तरीके से फिजिकल अपियरेंस इज गिवन इम्पॉर्टेंस इन द सोसाइटी फ़िजिकल अपियरेंस इज़ गिवन इम्पॉर्टेंस और यहाँ पर वो किस तरीके से

फिजिकल अपियरेंस से वो मैटर नहीं करती फिजिकल अपियरेंस शुड नॉट मैटर दूसरा तीनों पोएम्स में आता है फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड डिसीजन मेकिंग शुड बी गिवन टू वुमेन औरतों को दो फ्रीडम विमेन को भी और हरे को भी ये मैंडाम में हाईलाइट होता है ये सब में हाईलाइट होता है उसके अलावा हमारे पास और क्या ऑप्शन है यहाँ पर लाइफ ऑफ अ वुमेन किस तरीके से यहाँ पर फ्रीडम तो हमारी ले ली गई है फ्रीडम ऑफ चॉइस फिजिकल अपीयरेंस किस तरीके से वुमेन हैव टू हर जगह पे वुमेन को जजमेंट के से बहुत ज्यादा गुजरना पड़ता है जजमेंट तो द सोसाइटी सोसाइटी तो औरतों को जज करती है ये तीनों केसेस में आएगा तभी औरतें ट्रीज में हैं, वो बताते हैं कि वो बाहर निकलना चाहती हैं, कुछ करना चाहती लेकिन जब तक निकल नहीं पा रही थी लेकिन अमेंडा में उसकी मम्मी उसको जज करती है बटे ऐसे मत कर वैसे मत कर स्टूडेंट लाइफ है तीसरा है फ्रीडम ऑफ चॉइस अमेंडा को भी तो कुछ चॉइस होनी चाहिए कि वो खुद कर सके यहाँ पर ट्रीज में औरतों के पास भी चॉइस है कि वो निकलना चाहती है कुछ करना चाहती है आगे बढ़ना चाहती हैं एंड ग्रेगरी में उसको चॉइस मिलनी चाहिए अपने हस्बैंड को चूज करने की तो ये सारी तीनों पोएम्स है ना ये वुमेन को उनकी लाइफ की चॉइस को उनकी फिजिकल अपियरेंसेज को और किस तरीके से सोसाइटी के अंदर वो सब्जुकेटेड है सब्जेक्टेड टू डोमिनेंस है वो ती, ये तीनों चीजें सोसाइटी तीनों पोएम्स के अंदर ये तीनों थीम्स मेनली हाईलाइट होती हैं ठीक है बच्चों आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को अब आते हैं हम लोग हमारे अगले सवाल के ऊपर जो कि आता है डिस्कस द रोल ऑफ पेरेंट्स इन द केस ऑफ रिचर्ड ई ब्राइट बोली अमांडा ठीक है ये वाला हम लोगों ने कर लिया है क्वेश्चन की रिचर्ड और ये ऑलरेडी डन ऑलरेडी

ये एग्जाम्पल जब भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है ना तो ये क्वेश्चन का अपॉइंटमेंट जरूर डाला है कि भोली के पे लोग वैसे ग्रो करेंगे जैसे उनके एन्वायरमेंट है ठीक है लोग वैसे ग्रो करेंगे बच्चों जैसे उनके एन्वायरमेंट है मान लो उनके एनवायरमेंट जैसे भी होगी उन्हें उसके हिसाब से ही उनकी ग्रोथ देखने को मिलेगी तो यहाँ पर जैसे आपके लोग वैसे आपकी ग्रोथ तो यहाँ पर भोली और कस्टर्ड द ड्रैगन ये दोनों ऐसे केसेस थे देवर डोमिनेटेड ठीक है दे वर डोमिनेटेड इनको डोमिनेट किया जाता था बाय अदर्स या तो फैमिली कर रही है या फिर इसमें यहां पर फैमिली थी यहां पर भी फैमिली थी और बाकी एनिमल्स थे डोमिनेट बाय अदर्स एंड पियर्स जो भी दोस्त है आसपास के रहने वाले लोग हैं फैमिली है वो डोमिनेट करती थी इन दोनों को दोनों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था फ्लैग्ड कॉन्फिडेंस ये दोनों कैरेक्टर्स ऐसे थे जिनके अंदर अपने आप को लेकर एक आत्मविश्वास की कमी थी इन दोनों में कैलिबर था लेकिन उनका कैलिबर अंडरमाइन किया जा रहा था कैलबर वॉज अंडरमाइंड इन दोनों के कैलिबर को अंडरमाइंड किया गया था दोनों को उतनी पावर नहीं दी गई थी जितनी इन दोनों को दी जानी चाहिए थी तो देअर कैलिबर वॉज अंडरमाइंड दोनों के कैलिबर को अंडरमाइंड किया गया था नीचा दिखाया गया था उसके बाद हम लोग इसमें और क्या कर सकते हैं बोली और 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 और, हाँ इसके अंदर हम दोनों के केस में ये देखेंगे कि इनको प्रॉपर देवर नॉट गिवेन बूस्ट देवर नॉट Given boost. इन्हें किसी ने भी कुछ करने की क्षमता नहीं दी उन्होंने किसी को भी करने की कुछ पावर नहीं दी कि वो लोग कुछ कर सकते हैं तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन्स देव द सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें कॉन्फिडेंस नहीं था दे आर नॉट एबल टू कम अप इसी की वजह से ये पार्ट वन है इसको लिख लो ये पार्ट वन है ठीक है यहाँ पे आ जाते हैं यहाँ पे आते हैं पार्ट टू जिसकी वजह से दिल, दिल कुछ कर नहीं पा रहे थे देवर कैसे थे ये लोग देवर लोनली और क्या थे ये लोग हेल्पलेस थे दोनों केसेस के अंदर के एक एग्जांपल जो मैं हर बार देते आई हूँ बच्चों इसमें आप लोग अपने आंसर के अंदर एक शार्क का एग्जांपल दे सकते हो शार्क यानी जो तो शार्क मछली होती है अगर आप एक शार्क को एक छोटे बोल में रखोगे ठीक है अगर आप एक शार्क मछली को एक छोटे बोल में रखोगे तो ये रियलिटी है कि वो शार्क उस बोल जितने के जितने साइज की ग्रो करेगी ठीक है शार्क का एग्जाम्पल है कीप इन अ बोल इसको एक बोल बोल में रखो कीप इन अ इट विल ग्रो दैट मच वो उतना ही ग्रो करेगी इट विल ग्रो दैट मच वो उतना ही ग्रो करने वाली है लेकिन रियलिटी में हमको भी पता है कि शार्क कितनी डेडली है शार्क में कितनी कैपेसिटी बालो से बालोसाहेड जहाँ कि शार्क में कितनी कैपेसिटी है कि शार्क क्या क्या कर सकती है राइट तो शार्क को जैसे में रखोगे वो वैसे वैमेंट में हो जाएगी लेकिन यहाँ पर उसका जो कैलिबर है जो उसकी क्षमता है कुछ करने की वो अंडरमाइंड हो रही है अंडरमाइंड हो रही है वो उस काम को उस तरीके से नहीं कर पा रहे जितने में उसको करना चाहिए था तो द पावर इज बींग अंडरमाइंड तो यहाँ पर हम इस अंडरमाइंड पावर को हम लोग क्या लिख सकते हैं और वही अगर आप शार्क को ओपन सी में छोड़ते हो ओपन सी में छोड़ते हो तो देन इट बिकम्स डेडली तब आप जानते हो देन इट शोज इट्स रियलिटी It's real power. तब वो अपनी रियल पावर को आपको दिखाएगा है ना तब वो शाह की रियल पावर आपको देखने को मिलेगी कि ये की रियल पावर वैसे ही भोली को 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 और कस्टर्ड द ड्रैगन दोनों ना कन्फाइंड एनवायरनमेंट में रखा हुआ था जिसकी वजह से कस्टर्ड जो कर बहुत कुछ सकता था लेकिन कर कुछ नहीं पा रहा था अपने आस पास की, की वजह से और इन द सेम वे जो दूसरे यहाँ पे भोली है उसको भी ना पेरेंट्स ने कुछ समझा ही नहीं दे वर नॉट गिवन इम्पोर्टेंस इन देयर फैमिली उनको कोई बोस्ट नहीं मिला उनकी फैमिली से और हमेशा ने उनकी फैमिली ने नीचा दिखाने की कोशिश की है जिसकी वजह से वो दोनों भी जैसे थे जब तक कंफाइंड एनवायरमेंट में रहे तब तक कुछ नहीं कर पाए तब दोनों को बड़ा एनवायरमेंट मिला भले ही वो पायलट के केस के अंदर हो या फिर वो भोली के बिशांबर नाथ के केस के केस अंदर हो दोनों ने ही अपने कैलिबर को प्रूव किया अब जैसे लोगों के आसपास तुम हो वैसे ही तुम्हारी इन्वायरमेंट होगी जैसे तुम्हारी इन्वायरमेंट है वैसा ही तुम्हारा स्वभाव होगा अच्छी इन्वायरमेंट है तो तो यू विल बी एबल टू ग्रो ग्रो नहीं नहीं है तुम लोग grow, कर पाओगे ये क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एज पर वॉट माई अंडरस्टैंडिंग इज कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ को इन पॉइंट्स को हाईलाइट करता है दोनों के केस के अंदर आप लोग चाहो तो इसके अंदर एक शार्क का एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं तो नाउर ऑन द लॉ हो गया क्या ये सवाल हमारा फिर से आ गया क्या ठीक है तो हेयर वी आर डन विद द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे हम लोगों का फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज तो हो गई है खत्म और फाइनली जाने से पहले आई होप हैज एंजॉयड ऑल द क्लासेस जो भी हम लोगों ने सिलेबस के अंदर करी है हमने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थीम के थे वो भी मोस्टली मोस्टली 99 परसेंट डिस्कस कर लिए है इनकेसिफ आई गेट सम क्वेश्चन दिमाग में आता है तो आई ट्राई टू सी केम कैसे उस क्वेश्चन को डलवा सकते हैं आई डू समथिंग मे बी इन अ शॉर्ट और एनी डैम थिंग अदर थिंग आई ट्राई टू गिव यू दैट क्वेश्चन ताकि आप लोगों को वो क्वेश्चन हेल्प करे तो so बच्चों हमारा फाइनली फाइनली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जर्नी हो जाती है खत्म और लास्ट में एक लाइन है तारी पार्टनर नव वर्ष से गुड बाय ऑलवेज से हम है रही पढ़ाई के फिर मिलेंगे चलते चलते प्यार के नाते तो नहीं है हम यहाँ लेकिन पढ़ाई के रही हैं हम है रही पढ़ाई के फिर मिलेंगे चलते चलते ठीक है बच्चों आई होप एवरीबॉडी हैज एंजॉयड ऑल द सेशंस दैट वर देयर है टेकन प्लेस तो फाइनली वी आर इन द एंड ऑफ दिस सेशन ऑल द सीरीज ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड्स टुडे सेल्फ आई होप हर एक बच्चे को हर चीज समझ में आई है डाउट्स के लिए चैट बॉक्स खुला है आप लोगों की हेल्प के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं बिकॉज फ्यूचर फॉर एवरीबडीट इज प्रेजेंट हेयर तो फिर मिलेंगे बच्चों चलते, चलते और किसी से अंदर तब तक के लिए पढ़ते रहो आगे बढ़ते रहो ऑल द्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने प्रीवियस क्वेश्चन पी वाई क्यूज लगा सकते हो क्वेश्चन मार्क्स लगा सकते हो लगाओ कि प्रैक्टिस डाउट के लिए हम लोग है ही अब हम लोग मिलेंगे देखते हैं कब तो बेस्ट डेट्स यू समे अगेन